आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। लेकिन यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल के पहले हमें चाहिए पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइन किस प्रकार से होती है बताओ मुझे। देखिए, एक लाइन इस प्रकार से है, दूसरी लाइन एक प्रकार से है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं यम, ठीक है। तो अब ये दो लाइनें हैं, ये क्या होगी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी तभी ये पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सो हम लिखते हैं पैरेलल लाइंस कितना है, तो लाइन लाइन या पैरेलल लाइन या, इस प्रकार से हम पैरेलल लाइंस को लिखते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि कोई भी दो लाइन को यदि एक लाइन, ठीक है, एक लाइन दो पॉइंट्स में ट्रांसवर्सल मतलब काटती है, उसे प्रतिच्छेदित करके उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यम यन, यदि यम यन को कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है, यन लाइन है, ठीक है। और वो कहां ट्रांसवर्सल करती है, लाइन यम को ओ में और लाइन यन को पी में। इस प्रकार से आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ट्रांसवर्सल का, ये लिखा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोस लाइंस। मतलब इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस, इफ अ लाइन मतलब यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लाइन यम एंड एन को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओ और पी, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब ओ और पी, ठीक है। देन दैट लाइन इज ट्रांसवर्सल ऑफ दोस लाइन, मतलब इन यम एन की ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएंगी, यन। इस प्रकार से ये हो गया पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बात देखते हैं हम नेक्स्ट जो ये है सॉल्व एग्जांपल उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मतलब एक डायग्राम दिया गया है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, हमें इसमें से एंगल तैयार करने हैं। तो एंगल तैयार होते हैं, सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद इंटीरियर एंगल और एक आता है फिर से अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या, कि जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या होता है, इसे ही हिंदी में कहते हैं संगत कोण, इसे क्या कहते हैं, संगत कोण। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये एक ही लाइन के ऊपर एक ही साइड में आने वाले एंगल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम निकाल के दिखाया है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एम पी, ठीक है, ए एम पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, यम यन आर, यम यन आर, ए एम पी का यम यन आर होगा, ठीक है। फिर से ए, फिर आप बताइए कौन सा होगा, ए एम क्यू का होगा, ए एम क्यू का कौन सा होगा, यम यन एस, ए एम क्यू का कौन सा होगा, यम यन एस। यहां पर देखिए यहां पर लिखा है एम यन आर, एम एन ए एम पी का यम यन आर हो गया हमारा। तो चलिए हम लिख लेते हैं एंगल, एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी एंड एंगल ए, देखिए ए एम पी वैसे ए एम एन आर, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा है, ये वाला ले लेते हैं हम ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू एंड एंगल एम एन एस, कौन सा होगा, एम एन एस,
ये आपको समझने के लिए है, आपके बुक में यदि आगे पीछे दिया होगा तो भी चलेगा। देखिए यम एन ए यम क्यू एंड यम एन एस दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद है पी यम यन, पी यम यन से क्या होगा, पी यम यन से देखिए ये वाला जो एंगल पी यम यन, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे एंगल पी यम यन एंड एंगल पी एम एन हो गया, फिर इससे क्या होगा आर एन टी, आर एन टी। उसी प्रकार दूसरी तरफ जाएंगे तो ये है, यहां पे आप लिख सकते क्यू एम एन, क्या लिखेंगे क्यू एम एन एंड क्यू एम एन हो गया, फिर एस एन टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी इंटीरियर, इसमें लिखा है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर में ये बाहर नहीं देगा, मतलब मान लो ये है बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा से बॉक्स है, तो इसका एक लाइन खोल लिया हमने, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मुझे पता है कौन सा एंगल होगा, तो यहां पर दो एंगल बनते हैं, एक है पी एम एन, ठीक है, जैसे देखा पी एम एन एंड एम एन आर, पी एम एन एंड एम एन आर एंगल, पी एम एन एंड एंगल एम एन आर, ठीक है, पी एम एन एंड एम एन आर। उसके बाद एंगल क्यू एम एन, ठीक है, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन एस, ठीक है, ये देखिए ये डब्बा बन रहा है ना, तो इसलिए एंगल एम एन एस, इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड वाला हो गया। अब उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल में हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि Z तैयार होता है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल में क्या तैयार होता है, Z तैयार होता है, लेकिन आपको अल्टरनेट एंगल में यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर कौन सा और एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा बताइए मुझे, इंटीरियर क्या हो जाएगा एंगल, देखिए यहां पे इंटीरियर मतलब सबसे पहले तो हमें सेट तैयार करना है, तो पी एम एन और एम एन एस ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी क्या हो गया, ये अंदर नहीं, देखिए ये बाहर वाले हिस्से में आ रहे क्या, नहीं आ रहे, देखिए यहां से ऐसा यदि मैं लिख करता हूं, ये देखिए ये रहा, मतलब ये वाले एंगल से ये वाला एंगल पैरेलल होता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। देखिए मेरा कुछ z तैयार हो गया हमारा, है ना, तो उसे ही कहते हैं एंगल पी एम एन एंड एंगल कौन सा है पी एम एन एंड एम एन एस। और दूसरा एंगल क्या होगा देखिए अभी, ये देखिए यहां पे क्यू एम एन, ये देखिए क्यू एम एन एंड एम एन आर, क्यू एम एन एंड एम एन आर, क्यू एम एन एंड एंगल एम एन आर, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल, अब हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो अल्टर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में देखिए यहां पे आपके इसमें लिखा है ए एम पी, ए एम पी से पैरेलल हो रहा है टी एन एस, ए एम पी से पैरेलल है टी एन एस, ये वाला एंगल से ये वाला एंगल, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो जेड बताया था, तो जेड किसके लिए था, इंटीरियर एंगल्स के लिए, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल्स में भी यहां पे देखिए ए एम पी टी एन एस, ठीक है, तो यहां पे हमें ये ध्यान में रखना है जो बाहर वाला जो बैकग्राउंड होता है ये वाला, इसका जो अपोजिट बैकग्राउंड होगा बाहर वाला वो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो ए एम पी
एंड एंगल यस सॉरी टी एन एस लिखा है टी एन एस ठीक है। और उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा होगा ए एम क्यू एंड आर एन टी ए एम क्यू एंड आर एन टी ठीक है सही है ए एम क्यू एंड आर एन टी एंगल ए एम क्यू एंड एंगल आर एन टी। इस प्रकार से देखिए हमारा ये जो पैरेलल लाइंस सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है जो एक ही साइड से मतलब ये एक ऐसी है और ऐसी है ठीक है। ये छोटी बना दो छोटी भी दिखाई देगी आपको एक छोटी बना दी है और एक बड़ी बना दी है लेकिन ये क्या होगी सेम साइड में सीधी जाएगी ये इधर उधर मुड़ेगी नहीं तो तभी क्या हो जाएगा ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि कोई भी एक लाइन जब दो लाइन को एक ही पॉइंट मतलब सेम स्ट्रिंग पॉइंट पे मिलती है जैसे एम और एन ने ट्रांसवर्सल की है 80 लाइन में ठीक है तो यदि वो लाइन होती है तो 80 ये जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी ठीक है। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 की तरफ। अभी देखिए हमारा ये है प्रैक्टिस सेट 2.1 ठीक है प्रैक्टिस सेट कौन सा ये 2.1 ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल निकालने और इंटरनेट अल्टरनेट एंगल निकालने ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या हो गया हमारा अभी हमने पढ़े कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि एक ही साइड में जैसे ये वाला है ठीक है और यहाँ पे तो ये वाला एंगल इससे करस्पॉन्डिंग होता है ये वाला एंगल इससे करस्पॉन्डिंग होता है ये नीचे वाला एंगल इसके नीचे वाले से करस्पॉन्डिंग होगा और ये वाला एंगल इससे करस्पॉन्डिंग होगा ठीक है। तो हम तो ये पढ़ चुके हैं तो अब देखिए हम ये डायग्राम में देखते हैं ठीक है। तो एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ऑब्वियसली तो पी का करस्पॉन्डिंग उसी के लाइन में ऊपर में डब्ल्यू आ रहा है एंगल डब्ल्यू ठीक है ये हो गया एंगल डब्ल्यू। उसके बाद एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बताइए ये होगा एंगल एक्स कौन सा होगा एंगल एक्स। उसके बाद एंगल एक्स आ गया अब देखिए एंगल आर का ये रहा एंगल आर इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा जैसे क्यू का एक्स होता है तो आर का क्या होगा वाई एंगल वाई एंड एंगल यस एंड एंगल यस एंड एंगल जेड एंगल यस एंड एंगल जेड ठीक है। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंगल यस इंटीरियर का है ध्यान रखना इंटीरियर का है मतलब एंगल यस का क्या हो जाएगा डब्ल्यू डब्बे के अंदर ठीक है। एंगल यस का सॉरी एंगल एक्स का यहां पे देखिए जेड तैयार होना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोला है क्या बोला है अल्टरनेट एंगल मतलब जेड तैयार होगा इंटीरियर एंगल के लिए ये देखिए यहां से ऐसा ऐसा ये एंगल यस से क्या हो जाएगा एक्स एंगल एक्स आएगा ठीक है ये वाले एंगल से ये वाला पैरेलल हो जाएगा। और एंगल डब्ल्यू से देखिए अभी एंगल डब्ल्यू कहां है ये रहा इसका जेड कैसे तैयार होता है ये इधर से गया इधर हो जाएगा मतलब ये कौन सा होगा एंगल आर यहाँ पे क्या आएगा एंगल आर। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो फिल द ब्लैंक्स था वो सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मैंने अभी कहा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या होता है जेड तैयार होता है ठीक है। तो हम कहां पे कैसे सेट तैयार होता है देख लेते हैं कि देखिए यहां पे ये जो है एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूं यहां पे ये एंगल सी यहां से लेते हैं हम ऐसा ये ऐसे और ये ऐसे देखिए 1 2 3 मतलब एंगल सी से कौन सा एंगल पैरेलल हो जाएगा ई एंगल सी से एंगल सी एंड एंगल ई ये एक बन गया। अब दूसरा क्या बनेगा देखिए अभी ये एंगल सी से ई हो गया अब देखिए एंगल बी से ये इधर गए तो ये क्या हो जाएगा एच क्या हो गया ये बी से एंगल एच
तो यहां पे लिख लेते एंगल बी एंड एंगल एच, समझ में आएगा आपको। जेड तैयार होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के लिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के लिए, ना कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के लिए। यदि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोले रहते हैं तो ये एंगल डी से पैरेलल हो जाते हैं एंगल एफ, डायरेक्टली बाहर वाले से बाहर आते हैं, ए से पैरेलल हो जाता है जी, ठीक है। अब चलो करस्पोंडिंग एंगल पढ़ते हैं। करस्पोंडिंग एंगल बहुत ही आसान है। करस्पोंडिंग एंगल मतलब ये जो है इसी की लाइन में नीचे वाला मतलब टॉप पे, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल ई, उसी प्रकार एंगल बी एंड एंगल एफ, देखिए बी एंड एफ, एंगल डी एंड एंगल एच, डी एंड एंगल एच, एंड एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स में देखिए इंटीरियर एंगल यानी क्या होता है, डब्बा बनता है, कहा था ये देखिए ये रहा हमारा डब्बा बन गया। अब तो क्या हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल एच, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, ये है बी एंड ई, एंगल बी एंड एंगल ई। देखिए इस प्रकार से हमारा ये जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पोंडिंग एंगल और इंटीरियर एंगल क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्व हो गया होगा। और आपको समझ भी गया होगा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, करस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये समझ में भी आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में 2.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।